ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ज्ञानतिमिरा ज्ञानांजन शकक्षुन्मितम तस्में श्रीगुरव नमो विष्णुपादायय कृष्ण प्रेस्ाए भूतले श्रीमती भक्ति नित्यामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाशूनिवादि पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद निनंद श्रीअद्वगदाधर शिवासादिगौर वक्तवृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण तो आज हम श्लोक संख्या थर्टिस् uh, okay. पापमेवाश्रिएदस्म पैतायि तस्मा हंत धातराष्ट्रांत बांधवान् स्वजनम ही कथम माधवा अनुवाद यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों को का वध करें हे लक्ष्मीपति कृष्ण इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं तो लास्ट क्लास में हमने चर्चा किया कि अर्जुन बहुत सारे कारण दे रहा है कृष्ण को कि उसको क्यों युद्ध नहीं करना है और पिछले वाले कारण था कि सुख हम सब सुख की पीछे पड़े हैं इस युद्ध से मुझे कुछ सुख मिलेगा ऐसे मुझे नहीं, मेरा, मुझे नहीं मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूँ तो मैं युद्ध नहीं करूंगा तो अभी आज एक और कारण बोल रहा है अभी नया कारण है ये बहुत मुख्य है जो सामान्यतर इस कलयुग में सब लोग भूल गए हैं तो ये बोल रहा है कि पापम तस्मान पापम आ, हम इस युद्ध में ये इस युद्ध में भाग लेने से क्या होगा मैं पाप का आश्रय ले लूंगा पाप का आश्रय ले लूंगा तो ये बहुत गंभीर विषय है तो अर्जुन इसके बारे में बहुत दीर्घ रूप से सोच रहा है कि अगर हम ऐसे आतताइयों आतताई हिंदी का पद है आतताई संस्कृत का भी पद है तो यहाँ भावार्थ तात्पर्य में प्रऊपा जी बोल रहे कि छह तरह का आतथाई होते हैं कौन है वो विष देने वाला घर में अग्नि लगाने वाला घात हथियार से आक्रमण करने वाला धन लूटने वाला दूसरे की भूमि हड़पने वाला तथा पराई स्त्री का अपहरण करने वाला ये छह तरह के लोगों को लोगों को आतथाई बोलते हैं और इनको मार सकते हैं इनको मारने से कुछ पाप या अधर्म नहीं होगा हम्म और हम अगर पांडवों के बारे में सोचे तो पांडव ये छह विषयों से दुर्योधन ने क्या किया उनको विष देने की प्रयास किया हम्म उनके घर में अग, अग, अग्नि लगाने लगाया उसने घातक हथियार से आक्रमण किया सब किया ये सब छः के छो पाप कार्य है वो दुर्योधन ने पांडवों के ऊपर ये सब किया तो वो आतताई हो गया अभी यहाँ बोल रहे कि आतताई को मार सकते हैं लेकिन अर्जुन इतना महाभक्त था तो उसमें इतना अनुकंपा था थी कि उसको ये आतताइयों को भी मारने का उसको उसका मन नहीं हो रहा है कि हमारा वो हमारा शत्रु है हाँ हम हमके उप, हमारे ऊपर इतना सारा जुल्म किया है फिर भी अर्जुन बोल रहा है कि ये तो पाप हो जाएगा आ, मैं तो मैं कैसे उनको मार सकता हूँ कैसे मार सकता हूँ धर्म शास्त्र बोल रहा है कि इन्होंने छह तरह का ये आतताई हो गए मार सकते हैं, लेकिन फिर भी अर्जुन पूछ रहे है नहीं 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 आतताई होंगे लेकिन ये तो स्पेशल आतताई है स्पेशल क्या है इसमें अः ये तो सामान्य आतताई नहीं है ये मेरा बंधु है मित्र है सका गुरु सब है इनको मैं ऐसे कैसे ट्रीट कर सकता हूँ सामान्य आत की तरह ट्रीट करके मैं उन्हें मार नहीं सकता हा? तो इसीलिए अगर मैं इनको मार दू तो ये पाप हो जाएगा पाप लगेगा हु? तो अर्जुन के मन में ये पाप और पुण्य का विषय बहुत प्रामुख्यता रखती थी हाँ लेकिन आजकल के लोग पाप पुण्य के बारे में इतना सोचते ही नहीं लेकिन हमको इस ये बहुत ये आध्यात्मिक जीवन का मूल है धर्म का मूल है कि हम जब पुण्य काम करते हैं तो पुण्य काम से हमको जीवन में सुख मिलेगा और अगर हम पाप करते हैं तो उससे हमको कष्ट आएगा तो इस भौतिक जगत में जो भी हम सुख या दुख प्राप्त कर रहे हैं उसके लिए उसका कारण क्या है कि पिछले जन्मों में हमने जो अच्छा काम किया है पुण्य किया है उसके बदले हमको सुख मिलता है और जो पाप किया है उसके बदले हमको दुख मिलता है तो कोई बुद्धिमान व्यक्ति तो पहले उसको सोचना है कि जो कुछ भी कर रहा है तो ये पुण्य है कि पाप है लेकिन आजकल की आज के जमाने में कोई इसके बारे में सोचता ही नहीं है सब के मन में एक ही है मुझे अभी का अभी आनंद चाहिए बस सुख चाहिए अभी का भी सुख चाहिए तो शास्त्र में दो पद वा, यूज करते हैं एक है श्रेयस और दूसरा है प्रेयस श्रेयस का मतलब है ये श्रेयस का श्रेयस जो दीर्घ काल में हमको हमारे भलाई की बात होती है उसको श्रेयस बोलते हैं अभी का नहीं अभी एक उदाहरण लेंगे तो एक छोटा बच्चा है उसको चॉकलेट खाना है अभी ये चॉकलेट खाना है तो वो प्रेयस की बात है प्रेयस का मतलब क्या है वो अभी मुझे कुछ सुख देगा अभी मुझे आनंद देगा लेकिन बाद में क्या होगा वो बहुत चॉकलेट खाएंगे तो दांत खराब हो जाएगा तो माता पिता का चिंता है कि ये तो उसको आगे जाके उसको थोड़ा तकलीफ होगा इससे तो शेष के बारे में सोच रहे माता पिता हम्म लेकिन बच्चा किस बारे में सोच रहा है प्रेयस के बारे में सोच रहा है कि अभी मुझे इससे आनंद मिलेगा बस हम्म तो आज के कलयुग के लोग सिर्फ प्रेयस के बारे में सोचते हैं कि मुझे अभी आनंद चाहिए बस कल का क्या होगा किसने जाना मुझे नहीं जानना ये और कल क्या है कल आ, कुछ भी हो सकता है न? और अगले जन्म के बाद तो छोड़ ही दो आ, हमको पता भी नहीं है कि अगले जन्म है आ, तो इतना सारा कौन सोचता है हम्म तो ऐसे लोग इतने अग्नानी बन गए कि आ, पाप पुण्य के बारे में वो सोचते ही नहीं है सोचते ही नहीं है और यहाँ अर्जुन बोल रहा है कि नहीं ये तो मेरा विरुद्ध गए है ये तो आतताई है फिर भी ये मेरे बंधु मित्र है तो इनको मुझे मारना नहीं है क्योंकि ये तो पाप हो जाएगा और पाप, करूं, पाप, में, में, आ, पाप करूंगा तो बाद में आ, वो भुगतना पड़ेगा मुझे तो मुझे ये नहीं चाहिए ऐसे सोच रहा है अर्जुन हम्म तो आ, तो इसमें एक प्रभुभाजी भावार्थ में एक बहुत मुख्य विषय बोलते कि जैसे कि हम पिछले क्लास में हमने सुना कि हम्म भगवान की भक्त कोई उसके ऊपर कुछ गलत काम कर रहा है तो वो विरोध नहीं करता अभी ये दूसरा सूत्र है दूसरा सूत्र क्या है संत या भक्त उनको क्षमा करना है वो क्षमाशील है क्या बोलते हैं फर्गीव के लिए माफ करते हैं आ, कोई कुछ गलत किया है तो वो माफ करते थे ऐसे नहीं कि उसको आ, पकड़ के उसको रखे तूने ऐसे क्यों किया ऐसे किया इसको गाली दो आ, उसको कोसो मारो ऐसे नहीं माफ कर देते ठीक है किससे गलती नहीं होती है सबसे गलती होती है इंग्लिश में एक कहावत है ह्यूमन एर और मनुष्य है तो गलत काम करेगा वो तो सहज विषय है आ? तो संत सोचता है कि ठीक है ऐसे ही हो गया कुछ उससे गलती हो गई तो ठीक है माफ कर देंगे ऐसे नहीं कि उसको हृदय में रख के अभी हम क्या करते कोई किसी किसी ने हम हमारे ऊपर कुछ बोल दिया कि ये ऐसे करता है वैसे करते है वो हम हमारे हृदय में रख लेते हैं और हम, हर हमको अवकाश मिलते ही अवसर मिलते ही इसने ऐसे किया इसने ऐसे किया सबको बोल देते सब हमारे बंधु मित्र सबको पता चल जाएगा कि एक आदमी ऐसे हमारे साथ ऐसे बर्ताव किया है क्यों हम माफ नहीं कर सकते किसी को हा? हम हमको सब हम सिर्फ दूसरे से अपेक्षा करते कि हाँ ठीक है मैंने तो एक छोटा गलती किया इसने ये क्यूं, मुझे क्यों नहीं माफ करता लेकिन कोई हमारे विरुद्ध कुछ गलत गलत करता है गलत करता है तो हम उसको माफ करने के लिए हम रेडी नहीं है हम्म तो संत लोग ऐसे नहीं है संत लोग माफ कर देते है ठीक है छोड़ो कुछ नहीं हुआ चलो हाँ तो इसलिए उनका जीवन बहुत सरल हो जाता है और सुख से भरी रहती है लेकिन हमारा जीवन इतना कॉम्प्लिकेटेड है क्यों कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि हम सब रिश्तों को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं छोटा छोटा पे आजकल तो बहुत सारे न्यूक्लियर फैमिली हो गए है ना हाँ लेकिन यहाँ तो हम मुझे पता है बहुत सारे वक्त अभी भी ज्वाइंट फैमिलीज में है बहुत अच्छा है लेकिन साउथ इंडिया में विशेष साउथ इंडियन सब अभी हमारा सब न्यूक्लियर फैमिली है न्यूक्लियर फैमिली है पति पत्नी बच्चे और माता पिता बस और माता पिता भी अगर एक ही सिटी में रहते हैं तो साथ में रहते हैं नहीं तो वो भी अलग है तो इस न्यूक्लियर फैमिली से क्या हो रहा है कि न, आ, कुछ हमको सहिष्णुता नहीं है आ, कोई कुछ बोलता है वो सुनने का सहिष्णुता नहीं है हमको जो चाहिए हम कर कर रहे हैं ये कलयुग है हाँ लेकिन यहाँ अर्जुन बोल रहे नहीं उन्होंने हमारे ऊपर कुछ गलत काम किया नहीं ठीक है माफ कर देते माफ़ कर देते ऐसे कुछ बात नहीं है हाँ वो इतना बड़ी बात तो है नहीं कि हम जाके उन्हें मारे हाँ तो ये संत संत ऐसे सोचता है और वो सोचता है कि ठीक है हम क्यों लड़ रहे हैं एक राज्य के लिए है ना अभी राज प्राप्त करने में हम अगर पाप करेंगे तो मुझे तो मोक्ष नहीं मिलेगा लोग इसका भी बहुत चिंता करते थे पहले वो अब पाप पुण्य और मुक्ति या मोक्ष जीवन के बाद इस जन्म के बाद कहाँ जाएंगे इसके बारे में वो बहुत सोचते थे आजकल के लोग तो पहले वो ऐसे पुनर्जन्म है इस विषय पे ही वो उनका बिलीफ नहीं है श्रद्धा नहीं है तो ये सब में विश्वास नहीं रखते बोलते हैं आप पुनर्जन्म ऐसे क्या होता है नहीं छोड़ो अभी अभी एक जन्म है जो भी करना है करो मौज करो ऐश करो आराम से जीवन जियो अगले जन्म के बारे में किसको जा, कौन जानता है लेकिन भगवत गीता तो में बोलते उद्धव बच्चनती सत्वस्ता मध्य तिस्तंती राजसा अध्योगी था, थामसा बोल रहे कि अगर हम बहुत अच्छे का अच्छा काम करेंगे तो हम स्वर्गलोक जा सकते हैं तो ये स्वर्गलोक काल्पनिक नहीं है स्वर्गलोक है मैं बाद में ये सब दिखाऊंगा आपको एक बहुत अच्छा इमेज है पिक्चर है हाँ और मध्य तीस राज तो त्रिगुण है उसके बारे में भी हम बाद में समझेंगे सत्वगुण रजोगुण थमोगुण सो तो जो सत्व गुण में जीते है वो स्वर्गलोक जा सकते है जो रजोगुण में जीते है वो वापस इस भूलोक में भूमि में आते आते हैं और जो थमोगुण में जीते वो प्राणी पशुओं की देह प्राप्त करते या आधो लोक जाते नीचे वाले लोगों चौदह लोक है तो भूमि के नीचे जो भी है सात लोक वो वहां जाएंगे तो ऐसे या हमको एक चौथा ऑप्शन भी है जो हम वैकुंठ प्राप्त कर सकते हैं तो ये जन्म के बाद क्या होगा इसके बारे में बहुत सोचते थे पहले लोग लेकिन आजकल ये सब लोग ये सब नहीं सोचते और यहाँ आ, जैसे कि पिछले श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन ने कृष्ण को गोविंद ऐसे आ, संबोधित किया अभी श्लोक में माधव बोल रहे हैं माधव आ, इस श्लोक में माधव बोल रहे हैं माधव का मतलब क्या है आ, जो लक्ष्मीपति है लक्ष्मीपति भाग्य भाग्य देवता लक्ष्मी हाँ तो उसका मतलब क्या है कि वो भाग्य लेके आता है दुर्भाग्य नहीं आ, लक्ष्मी जी भाग्य लेके आती है तो लक्ष्मी जी का पति होके कृष्ण को भाग्य लेके आना है दुर्भाग्य नहीं तो अर्जुन कृष्ण से पूछ रहे आप तो लक्ष्मीपति है ना आ, तो ऐसे काम मुझ करवा रहे क्योंकि इससे तो मुझे कुछ भाग्य का कुछ में मुझे ऐसे यहाँ कुछ लक्षण नहीं दिख रहा है तो दुर्भाग्य का लक्षण दिख रहा है न? तो मुझे आ, ये सब करके किस प्रकार की सुखी सु, कि, किस प्रकार सुखी हो हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं ऐसे प्रश्न पूछ रहा है। हम्म तो इतने सारे सोच देखिए एक सरल श्लोक है हा? लेकिन अर्जुन के मन में कितने सारे विचार चल रहे ये सब हमको रूपा जी भावार्थ में बोल रहे हैं हम्म तो अगर हम भावार्थ तात्पर्य नहीं पढ़ेंगे इसीलिए मैंने लास्ट टाइम भी बोला कि किसके पास ये नहीं है कृपा करके भगवदगीता यथारूप लेके आइए हाँ और पढ़िए हा? तो यथारूप में हमको तात्पर्य में फ्रोप्पा जी ये सब विषयों का वो वर्णन करते हैं तो हमको समझ में आएगा कि अर्जुन के मन में क्या चल रहा था क्योंकि सिर्फ हम श्लोक पढ़ेंगे तो हमको ये सब समझ में नहीं आएगा जब तात्पर्य पढ़ते हैं तब समझ में आता है कि अर्जुन के मन में इतने सारे विचार चल रहे थे इसलिए बोल रहा है कि मुझे युद्ध नहीं करना है ऐसे नहीं कि वो भाग रहा है डर के मारे भाग रहे नहीं हुँ? सबसे बड़ा योद्धा बड़ा, बड़ा योद्धा था वो, वो अपने समय का लेकिन ये सब धर्म के चिंता करके वो बोल रहे कि नहीं मुझे ऐसे नहीं लग रहा है कि मुझे युद्ध करना है हुँ? तो यही इस श्लोक का तात्पर्य है तो किसी का कुछ प्रश्न है तो हम उत्तर दे सकते हैं नहीं तो हमारा पंद्रह बीस मिनट हो गया किसी का कुछ प्रश्न है श्लोक के ऊपर प्रभु जी वन क्वेश्चन हाँ. जैसे अभी तो कृष्ण जी को जब अर्जुन जी एड्रेस कर रहे हैं तो वो उनको लक्ष्मीपति क्यों बोल रहे हैं अभी तो वो दूसरे अवतार में है ना नहीं लेकिन अर्जुन तो कृष्ण का सनातन अनुयायी है भक्त है सहचर है एक्चुअली अच्छा सब पांडवों को पता था कि कृष्ण कौन था कौन है आ, आ, और यहाँ यहाँ अनुवाद में लक्ष्मीपति कृष्ण बोल रहे लेकिन यहाँ श्लोक में है माधव माधव है श्याम माधव तो कृष्ण का बहुत सारे नाम थे तो माधव भी एक नाम है वो तो सब जानते थे कि कृष्ण को माधव बोलते है कृष्ण को गोविंद बोलते है कृष्ण के इतने सारे नाम है तो अर्जुन ऐसे ही जो इस सन्निवेश में सुप्त नाम था उसको लेके पुकार रहा है कि माधव तुम मुझे मुझसे ऐसे क्यों करवा रहे हो और यहाँ अनुवाद में बोल रहे कि माधव का मतलब है लक्ष्मीपति तो, या भाग्य लाने वाला तो अर्जुन को भी अपने पिछले जन्म का याद था क्या नहीं लेकिन कृष्ण कौन है ये पता था अच्छा कृष्णा देखिए अभी क्या है ओके गुड क्वेश्चन जय प्रभु सब अच्छे प्रश्न पूछते हैं तो बहुत सारे लोग जब हम बोलते हैं कि भगवान है तो पूछते हैं कि भगवान को दिखाओ हम्म जब ये कुरुक्षेत्र युद्ध हो रहा था तो कृष्ण को सबने देखा कृष्ण को सबने देखा आ? लेकिन दुर्योधन ने माना नहीं दुर्योधन को अर्जुन कृष्ण ने एक्चुअली विशेष विश्व रूप दिखाया रूप दिखाने के बाद भी दुर्योधन नहीं, 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 नहीं मानता कि कृष्ण भगवान है हम्म धुतराष्ट्र धृतराष्ट्र उसको पता था वो जब अक्रूर आता है धृतराष्ट्र को बोलने के लिए युद्ध मत करो कृष्ण को ये अच्छा नहीं लग रहा है ये अच्छा नहीं काम अच्छा काम नहीं है तो बोलते हैं हाँ अक्रूर मुझे पता है कि कृष्ण भगवान है आ, लेकिन मेरे बच्चों को ऊपर का जो ममता है आ, मेरे में तो मुझे मैं युद्ध नहीं करके नहीं नहीं करना ही मुझे क्योंकि मेरे पुत्रों को आ, राजा बनना है ऐसे वो अपने पुत्रों की जो प्रेम है उसकी वजह से वो बोलता है कि कृष्ण भगवान है लेकिन मैं उसका कुछ माने के लिए तैयार नहीं हूँ मुझे नहीं हो रहा है मुझसे नहीं हो रहा है हुँ? और बहुत सारे थे जो कृष्ण को भगवान ही नहीं माने और उसका शत्रु बन गए जैसे कि रुक रुक्मी रुक्मिणी का पति शिशुपाल जरासन ये सब तो असुर थे तो ये असुरों को पता नहीं था कि कृष्ण कौन है लेकिन पांडु कुंती भीष्म विदुर इन सबको पता था कि कृष्ण भगवान है तो हम भगवत गीता के बाद में भागवत हम भागवत पुराण पढ़ेंगे तो वहाँ हमको ये सब चीज हमको हमारे समझ में आ जाएगा कुंती महारानी इतनी अच्छी अः स्तुतिया करती है कृष्ण का तो सबको पता था जो भक्त थे जो संत थे जो साधु थे उनको पता था कि कृष्ण का स्थान क्या था क्या है लेकिन जो दुष्ट थे असुर थे उनको पता नहीं था या उनको स्वीकार नहीं करना था कि कृष्ण भगवान है तो ये तो जब कृष्ण था तब भी सबको पता था कि वो भगवान है क्योंकि वो माँ की गोद में था पूतना को मार दिया फिर शकटासुर को एक हाथ की गाड़ी उसमें घुस गया वो शकटासुर उसको मार दिया सिर्फ लात देने से पाए से एक लात देता है बस मर गया फिर शकटासुरता को ऊपर से वो क्या बोलते हैं विंड हिंदी में मुझे पता नहीं तो उसको मार देता है एक साल का बच्चा फिर सात साल में वो गोवर्धन को उठा लेता है तो सबको पता था ये तो भगवान है लेकिन वृंदावन uh, anyway, ब्र, में कोई मानता नहीं ये थी कि इनमें वो तो दूसरा चर्चा है लेकिन जो भी थे हस्तिनापुर में और बाकी संत राजाओं को सबको पता था कि कृष्ण भगवान है ओके okay, किसी और का कुछ और प्रश्न ठीक है तो हमारा 20 मिनट हो गया तो हम आज को आज का क्लास को यहीं विराम देते हैं तो नेक्स्ट ट्यूसडे मिलेंगे हरे कृष्णा अंतकल्पतरूपे चक्रपासिन्द बेचोपतिता नाम भावना भविष्णवे नमो नमः समवेतव रप हरे कृष्णा धन्यवाद हरे प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी